राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बम्पर भर्तियां यहाँ पे निकाली गई हैं, जो कि कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पद हेतु ये भर्तियां निकाली गई है। ये सभी भर्तियां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे निकाली गई हैं, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसका एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे विस्तृत विज्ञापन के माध्यम से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ, इस विज्ञापन के माध्यम से हम ये भी बातें करेंगे किस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल किया जा सकता है, साथ ही टोटल वैकेंसीज का कैटेगराइजेशन, कौन सी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कितने यहाँ पे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को आप लोग ऑनलाइन कैसे यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या आपको पास में बेसिक के क्वालिफिकेशंस का होना ज़रूरी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपके पास में ग्रेजुएट इसके अंदर होना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे इसके लास्ट डेट क्या है, उसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है और किस प्रकार से किस प्रोसेसर के माध्यम से आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर, साथ ही ऑनलाइन लास्ट डेट का भी डिस्कशन अपन इस वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे और साथ ही सिलेबस का भी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे हिंट आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई उन भर्तियों की, जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रूप में यहाँ पे निकाली गई है। टोटल पदों की बात करें तो आपके 842 पद जो हैं वो आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, साथ ही अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 40 यहाँ पे यानी कि 40 पद हेतु यहाँ पे निकाले गए। टोटल पदों की अगर बात करें तो 882 पद यहाँ पे टोटल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रूप में यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाले गए हैं। तो चलिए अपन इसके बाद में अपन चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस का क्या प्रोसेसर यहाँ पे रहने वाला है, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आपको सबसे पहले तो जो भी आपकी टर्म्स कंडीशंस होगी वो ऑनलाइन ही यहाँ पे फिल की जाएगी, इसमें ऑफलाइन का माध्यम राजस्थान कर्मचारी चयन के बोर्ड के द्वारा नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया अपन समझ लेते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको सबसे पहले आपके SSID जो कि आप लोग यहाँ पे सिंगल साइन इन आउटपुट करके यहाँ पे SSID नाम करके यहाँ पे बना रखी होगी, वहाँ पे जाके अगर आप लोगों ने नहीं बनाई तो आप लोग यहाँ पे बना लीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन करके। तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करना होगा, साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म्स पे नॉमिनल जो कंडीशंस हैं, नॉमिनल जो क्वालिफिकेशंस हैं, नॉमिनल जो आपके नेम्स एड्रेसेस हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका रेलिवेंट फादर्स मदर्स, ये सभी डेट ऑफ बर्थ, ये सभी जो है आपको इसमें डालने होंगे। उसके उपरांत आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करवानी होगी। तो यहाँ पे कंप्लीट आप लोग प्रीव्यू देख के यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के लिए, साथ ही क्रेमलियर श्रेणी के लिए जो फीस रहने वाली है वो आपके 450 रुपये इस एग्जामिनेशन के लिए आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबमिट करने होंगे। अगर बात करें OBC नॉन क्रेमरी लेयर्स के लिए तो यहाँ पे 350 रुपये देने होंगे, साथ ही समस्त विशेष योग्यजन यानी कि PWD PhD जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होते हैं, साथ ही राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए जो आवेदन फीस है वो आपकी 250 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें जिस कैंडिडेट्स की यहाँ पे 250 लाख से इकोनॉमिक से यानी कि आपकी जो आय है वो आपकी 2.5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पे 250 रुपये इसके लिए दे होंगे। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो आपने यहाँ पे देख लिया किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर के सबमिट करने के बाद में आपको एप्लीकेशन फ़ीस का डिडक्ट करवाना है, कितनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कितनी फ़ीस का सबमिशन यहाँ पे आपको देना होगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों के श्रेणीवार यानी कि आरक्षित के अकॉर्डिंग यानी कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से आपके पोस्ट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे टोटल वैकेंसीज की, तो टोटल इसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो 842 पद यहाँ पे टोटल इसमें निकाले गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ नॉन TSP एरियाज़ के लिए यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की। इसमें सामान्य अभ्यर्थी की बात करें तो सामान्य में आपका मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो टोटल पद हैं वो आपके 217 हैं, साथ ही सामान्य महिला की बात करें तो 62 है और विधवा की बात करें तो 24 है और प्रत्येकता की आपके 6 पद यहाँ पे सामान्य वर्ग से हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अनुसूचित जाति की बात करें तो सामान्य वर्ग के 94 पद होंगे, साथ ही सामान्य महिला के लिए 27 है और आपके विधवा 10 हैं और प्रत्येकता की बात करें तो आपके 2 पद यहाँ पे अनुसूचित जाति से निकाले गए हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति की बात कर ले तो यहाँ पे सामान्य के 70 पद यानी कि सामान्य मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे रखा गया है। फीमेल की बात करें तो 20 हैं, विधवा की बात करें तो 8 है, प्रत्येकता की बात करें तो 1 है, वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करें तो आपका सामान्य वर्ग मेल कैंडिडेट के लिए 122 है, सामान्य महिला की बात करें तो 35 है, विधवा की बात करें तो 14 है, और उसके बाद में प्रत्येकता की बात करें तो आपके 3 पद यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रूप में यहाँ पे निकाले गए हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें तो आपका अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं सामान्य मेल कैंडिडेट के लिए 29 है, सामान्य महिला के लिए 9 पद है, साथ ही विधवा की बात करें तो 3 पद है, प्रत्येकता के पद यहाँ पे नहीं रखे गए हैं। अति पिछड़ा वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 59 पद हैं और सामान्य महिला की बात करें तो 17 है, विधवा की बात करें तो 6 है, प्रत्येकता की बात करें तो 1 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। अगर बात करें 12 जिले में शहरिया आदिम जाति के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे सामान्य मेल कैंडिडेट के लिए 3 पद यहाँ पे रखे गए, सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इससे को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रीय आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे यानी कि एक्स सर्विसमैन साथ ही आपका अपन यहाँ पे बात करेंगे तो BOLV के लिए 9 पद यहाँ पे रखे गए, HI के लिए यहाँ पे 8 पद हैं, LDCP के लिए 8 पद हैं और इसी प्रकार से MIMD के लिए यहाँ पे 8 पद हैं, और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 101 पद यहाँ पे रखे गए, उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे 16 पद रखे गए हैं। ये सभी आप लोग यहाँ पे नॉन TSP एरियाज के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपका TSP एरियाज हो गया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र एरियाज के लिए यहाँ पे निकाले गए, उसका अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल पद की अगर बात करें तो 40 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, मैं बात कर रहा हूँ TSP एरियाज के लिए यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 14 पद हैं, फीमेल की बात करें 5 है और विधवा के लिए 1 है, प्रत्येकता के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरीज की बात करते हैं, अनुसूचित जाति की तो यहाँ पे सामान्य मेल कैंडिडेट के लिए 2 हैं, उसके बाद में यहाँ पे किसी कैटेगरीज में यहाँ पे नहीं निकाला गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 13 वैकेंसीज हैं और सामान्य फीमेल की बात करें तो 4 हैं और विधवा की बात करें तो 1 है और प्रत्येकता की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे टोटल BOLV के लिए 1 वैकेंसी है, HI के लिए नहीं है, LDCP के लिए भी नहीं है, MI के लिए भी नहीं है और एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक जो है उसके लिए यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पे कोई वैकेंसी यानी कोई कोटा यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे इस पद के लिए नहीं रखा गया है। तो ये अपने पास में थी कि आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो इसमें टोटल आपकी वैकेंसीज जो थी वो आपको मैंने आपको पहले बताई थी जो कि 882 पद यहाँ पे टोटल हैं, उसको आप लोग यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसको मैंने आपको कैटेगराइज़ के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर अपन यहाँ पे बढ़ते हैं, कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में अपन यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेष सूचनाएं जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो आपको यहाँ पे रेलिवेंट हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स भी वैलिड होंगे जो कि आप लोग यहाँ पे खेल उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपकी यहाँ पे किस एसोसिएशन से आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन किया है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसका इंस्टीट्यूशंस का नाम आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे विशेष योग्य जन के लिए जो आपका है आपका कैटेगराइज ये आपका फुल लैंग्वेज में यानी कि फुल फॉर्म आपका दे रखा है। दूसरा अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं किस प्रकार से निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं। वेतनमान की अगर बात करें आपकी सैलरीज की बात करेंगे तो टोटल सैलरीज की अगर बात करें तो पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे होंगे और इसके लिए आपका जो मासिक वेतन है यानी मासिक वेतन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेड होगा 2 साल के लिए प्रोविजन पीरियड्स के लिए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं पात्रता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इस वैकेंसी के लिए क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले अभ्यर्थी को यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कृषि आपका कृषि विभाग में आपका BSc होना चाहिए, साथ ही BSc आपका कृषि उद्यान में भी हो सकता है। ऑनर्स के साथ में यहाँ पे मान्यता प्राप्त 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक के साथ ही पुरानी योजना के अधीन कृषि अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक के साथ आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
यानी कि बीएससी आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए, एग्रीकल्चर फील्ड्स में होना चाहिए। और पहले जो आपका पुरानी स्कीम्स यानी कि योजना की अगर बात करें तो आपका कृषि के साथ में उच्च माध्यमिक विद्यालय का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही नई स्कीम्स यानी अभी हाल ही में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका सीनियर सेकेंडरीज का आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए यानी कक्षा 12वीं का। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके पास में कॉमन जो आपका देवनागरी लिपि है उसमें आपको हिंदी का सामान्य, राजस्थान का, आर्ट कल्चर्स का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपकी हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, कौन सी डिग्री आपके पास में इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने से पहले आपको होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अन्य योग्यताओं की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, इसके बाद में आपका नेशनलिटी, ये तो आपके पास में होंगे ही राजस्थान या फिर इंडिया के। एज की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपका 18 साल से लेकर 40 साल तक यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद में आपका कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आपको 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही सामान्य वर्ग, आर्थिक वर्ग रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को यहाँ पे 5 साल, महिलाओं को दिया जाएगा, उसके बाद 10 साल यहाँ पे। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन का कैटेगरीज है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका विवाह पंजीयन यानी आपके आप लोग मैरिड है तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा। परीक्षा शुल्क के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पे फिल करना होगा किसी प्रकार का। एग्जामिनेशन डेट और मंथ की अगर बात करें तो ये आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा समय रहते आपको डिक्लेरेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा। हाल ही में इसका एग्जामिनेशन डेट और आपका जो महीना है वो आपके डिसाइड नहीं है। उसके बाद में आपका नियुक्ति और अयोग्यता आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से आपको नियुक्ति यहाँ पे दी जानी है। इसमें आवेदन कैसे करें यह भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था। आवेदन के लिए आपको सबसे पहले SOCIDs पे जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स को सिंपली रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट करना होगा, जो भी आपके पास में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट फोटोग्राफीज का आप लोग स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। साथ ही आपको इंस्ट्रक्शन कुछ है बैकग्राउंड से किस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं। साथ ही आपका JPG फॉर्मेट्स में आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है वो होना चाहिए। उसके KBs की अगर बात करें तो 100 KBs तक यहाँ पे होना चाहिए। स्कैन आपका सिग्नेचर्स होना चाहिए। तो ये सभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सिग्नेचर्स का यहाँ पे प्रारूप दे रखा है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात करें, जिस दिन आपका लास्ट डेट इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स का होगा उसी के 7 दिन बाद में आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स में एडिट कर सकते हैं यानी कि संशोधन कर सकते हैं। इससे पहले आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स भर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे स्रोत की सुविधा यानी कि जिसके पास में सुनने का यहाँ पे कैंडिडेट्स को बिठाना चाहते हैं अपनी जगह। प्रमाण पत्रों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का आपका सिलेक्शन के बाद में यहाँ पे किया जाएगा। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने पहले उसके रोकथाम के लिए बताया गया है। परीक्षा की स्कीम्स और पाठ्यक्रम्स की भी अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाग फर्स्ट में विषय यानी कि सामान्य हिंदी का यहाँ पे पेपर लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन इसमें यानी कि 15 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका मार्क्स की अगर बात करें तो आपके 45 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का यहाँ पे इसमें रखा गया है। चलिए भाग सेकंड्स की बात करें तो इसमें राजस्थान का ज्ञान यानी कि राजस्थान का GK, जिसमें आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री, आपका इतिहास, संस्कृति, ये सामान्य सभी आ गया। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं और आपका प्रत्येक पर्सन यहाँ पे 3 नंबर का होने के बाद में ये टोटल मार्क्स जो आपका हो जाएगा वो 75 का हो जाएगा। सेकेंड पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट्स की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट्स में आपका सस्य विज्ञान आ गया, जिसमें टोटल क्वेश्चन 20 होंगे और मार्क्स की अगर बात करें तो आपका 60 मार्क्स हो गया। फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे उद्यानिकी हो गया, उसके बाद 20 मार्क्स हो गया। टोटल मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका 60 नंबर रहेगा। भाग फिफ्थ की बात करें तो पशुपालन से संबंधित हो गया टोटल क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन टोटल होंगे और टोटल अंक की बात करें मार्क्स की तो आपके 300 नंबर यहाँ पे टोटल इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अगर बात करें क्वेश्चंस की तो 100 क्वेश्चन आपके होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि मार्क्स है वो 3 नंबर है। इस प्रकार से आपका मल्टीप्लाई 100 तो 300 मार्क्स का ये टोटल पेपर आपका करवाया जाएगा। टोटल पेपर आपका MCQ बेस्ड होगा यानी कि मल्टीपल चॉइस होगा, इसमें किसी प्रकार का आपको लिखना नहीं होगा, ऑप्शन को टिक करना होगा। अधिकतम पूर्णांक आपके 300 होंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्रों की प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है वो 3 नंबर का है और आपको टोटल ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 2 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा सोल्व करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव्स किसी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हो तो आपको 1/3 आपका मार्क्स ऋणात्मक आपकी मार्किंग के रूम में यहाँ पे रखा गया है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसकी होनी है 1/3 के रूम में। तो ये अपने पास में टोटल आपका जो हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा
कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रूप में जो वैकेंसीज निकाली गई है उसका यहाँ पे अथेंटिक विज्ञापन मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही आप बेल आइकन्स को भी दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।